आगामी होने वाले नगर निगम एवं नगर निकाय को देखते हुए बेनीगंज स्थित भाजपा के महानगर कार्यालय पर वन मंत्री एवं गोरखपुर के नगर निगम चुनाव के प्रभारी अरुण सक्सेना की अध्यक्षता में पार्षदों तथा भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसके संबंध में वन मंत्री एवं नगर निगम के चुनाव प्रभारी अरुण सक्सेना ने बताया कि निकाय चुनाव से पहले यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। उन्होंने कहा कि मंडल स्तर, सेक्टर स्तर, वार्ड स्तर तथा इसके साथ ही साथ बूथ स्तर पर भी बैठक की जा रही है। इस बार गोरखपुर के महानगर से भाजपा 80 में से 65 सीटें जीतेगी और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएगी। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीवी चौरसिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजीतांशु सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, महानगर उपाध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा, दयानंद शर्मा, दिनेश जायसवाल, गौरव तिवारी, मनोज अग्रहरी, अशोक गुप्ता, अजय मणि त्रिपाठी, सूर्य प्रकाश शर्मा, छोटे लाल पासवान, रमेश चंद्र गुप्ता सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वन मंत्री एवं नगर निगम चुनाव के प्रभारी अरुण सक्सेना ने कहा, इस बैठक में सम्मुख बैठे महानगर के सम्मानित पदाधिकारीगण, मंडल के सम्मानित अध्यक्षगण, आप सभी का इस बैठक में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अब मैं मंचासीन सभी अतिथियों से सादर आग्रह करूंगा कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि कर महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्ता जी से सादर आग्रह करूंगा। आप सभी जो विषय है आगामी स्थानीय निकाय चुनाव, हम सभी जैसा कि देख रहे हैं गतिविधियां पूरे नीचे जोरों शोरों से चल रही है, आप सब उसकी तैयारी में भी लगे हुए हैं। जनसंपर्क हुआ, जो पार्टी के द्वारा लीफलेट मिला था उसको लेकर सभी घरों में सभी वार्डों में जनसंपर्क अभियान किया गया और मतदाता बढ़ाने का इस बार एक बृहद अभियान चला के वार्डों में लगकर मतदाता बढ़ाने का काम आप सभी ने किया। आगे जो पार्टी ने तय किया, अभी हम सभी परसों की बैठक में प्रदेश कार्यालय में थे, उस बैठक में तय हुआ है जो कोर कमेटी बनी है, मंडल की स्क्रीनिंग कमेटी और महानगर की स्क्रीनिंग कमेटी, वो सभी अभी आपको चुनाव के प्रभारी आदरणीय श्री अरुण सक्सेना जी आप सभी को बताने वाले हैं। निश्चित ही ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। लगभग पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी का 25% इस चुनाव में सम्मिलित होने वाली आबादी है, इस चुनाव से प्रभावित होगी। हम सबका ये नैतिक कर्तव्य है और ये गोरखपुर महानगर मुख्यमंत्री जी का शहर है और निश्चित ही इधर 5-5.5 वर्षों में मुख्यमंत्री जी ने जो भी गोरखपुर को जितना भी बन पाया, जब जब वो आते थे गोरखपुर को 100-200 करोड़ की योजनाएं दे के जाते थे। हम सबको गर्व है कि जो 2017 के पहले पूरे 70 वर्षों तक नहीं हो पाया वो 2017 के बाद इधर 5 वर्षों में वो हो पाया है, क्योंकि पहले की जो सरकारें सपा बसपा की रहती थी वो गोरखपुर के साथ भेदभाव करती थी। एक बदलता हुआ गोरखपुर, आप सभी लगातार इस चीज को जनता में जाके कह भी रहे हैं, एक ऐसा स्वरूप गोरखपुर का कि आगे भविष्य में हम सभी बेंगलोर और दिल्ली से इसकी तुलना कर सकेंगे, इत्यादि मानते हुए और निश्चित ही चुनाव में जो हमारा विधायक नहीं है तो ये तो है कमेटी जो महापौर के लिए बननी है। अच्छा, पार्षदों की एक बात और है, अगर हमारा कार्यदार है मेयर के लिए तो वो कमेटी में नहीं बैठेगा। इसी तरह से पार्षद के लिए प्रभारी, मंडल अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष अपने वार्ड की चर्चा में रहेंगे, अगर जिस मंडल की चर्चा होगी उस मंडल के अध्यक्ष और प्रभारी रहेंगे, जिस वार्ड की होगी उसमें। इस तरह से पार्टी ने नीचे से कार्यकर्ता को पूरा सम्मान दिया है, कार्यकर्ता को ही सम्मान दिया है और कार्यकर्ता को ही जिम्मेदारी दी है कि ऐसे कार्यकर्ता को लाओ, ऐसे लाओ जो कि जीते,
पहली चीज रियल जीतना बहुत जरूरी काम है। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं हर हालत में जीतने के लिए, और हमारा कार्यकर्ता हो, टिकाऊ हो, मजबूत हो, हमें ऐसा अपने पास से प्रत्याशी लाना है। तो मैं कहूँगा ये प्रत्याशी ढूंढने का काम आप सबका है, सभी आप सम्मानित लोग यहाँ बैठे हैं, आपका ही काम है कि अपने आप में से, अपनों में से, या जिसे भी उचित समझे हैं उसको प्रत्याशी बनाएं, और जिसे प्रत्याशी बनाएं उसे जिताएं। निकाय चुनाव से पहले ये बैठक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैठक है। इसमें हमको अपने सभी से पहले तो ये पूछना है कि भाई पिछली समय में जो काम दिए गए थे वो कितने हुए। अभी हमारे चौरसिया जी ने बताया कि हमारे यहाँ सदस्य काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ाए गए हैं, और ये एक ज़रूरी काम था। हमारी बैठकें मंडल स्तर पर हो चुकी हैं, सेक्टर स्तर पर हो चुकी हैं, वार्ड स्तर पर हो चुकी हैं, इसके साथ ही साथ हमारे बूथ स्तर तक में मीटिंग का प्रयास किया जा रहा है, और बहुत सी जगह मीटिंग कर ली है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ हमें भारी बहुमत से जीतना है। पिछली बार हमारे जितने सांसद जितने पार्षद से उससे दोगुने से कम नहीं होने हैं। इस बार 65 के करीब हमारे पार्षद जीतेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैंने बताया पिछली बार जितने पार्षद थे उससे दुगने से ज़्यादा, और कोई बड़ी बात नहीं, 100% पार्षद हमारी पार्टी के जीते। मैंने बताया हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष स्तर पे, सेक्टर इंचार्ज के अध्यक्ष पे, बूथ अध्यक्ष पे, हर जगह लेवल पे हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में वोट बनाए हैं, कार्यकर्ताओं ने लोगों की सेवा की है। हमारे मुख्यमंत्री परम आदरणीय पूज्य योगी जी ने इस शहर के लिए कहां से कहां पहुंचा दिया। हर चीज़ इतनी अच्छी है, पहले गोरखपुर इतना डेवलप नहीं था, आज जितना डेवलप सिटी है, आज प्रदेश के डेवलप सिटीज़ में गोरखपुर माना जाता है। यहाँ पर हर चीज़ है, लोगों की सहूलियत के हर काम हुए हैं, सफाई भी बहुत है, और यहाँ पर टूरिज्म के भी स्पॉट बन रहे हैं। नहर यहाँ की जो हमारी पानी जल का जो स्रोत है वो भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पर लोगों को शाम को आराम से बैठते खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, चोरी डकैती राजनी गुंडागर्दी चेन खींचना कान के कुंडल खींचना उठाई गिरी ज़मीनों पर कब्जे करना अपहरण ये सब अब पास्ट की बातें हो गई, ये सब दूर। आम आदमी इस बात को समझ रहा है, व्यापारियों को भी जो सम्मान इस सरकार ने दिया उससे पहले किसी सरकार में वो सम्मान नहीं मिला। अब व्यापारी वर्ग भी हमारे साथ है, ये तो मैं कहूँगा हर वर्ग हमारे साथ है। यहाँ पर जितना विकास हुआ है उसका कोई जवाब नहीं है। हर आदमी यहाँ का, औरत महिलाएँ युवा सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के साथ हैं, और सब यहाँ पे वोट देंगे। देखिए ऐसा तो हर एक जगह होता है, कहीं भी हो, अगर एक सीट के लिए चार चार लोग मांगते हैं, लेकिन हमारा कैंडिडेट है कमल का फूल, और जिसे कमल का फूल का सिंबल पार्टी देगी उसके लिए सब मिलकर लड़ाएंगे। और हमारा यही उद्देश्य है कि हम हर एक से कहें भाई कार्यकर्ता तुम्हें आज टिकट नहीं मिल रहा है, लेकिन पार्टी में संगठन में भी बहुत काम है, और जो लगे रहेंगे उन्हें आगे कोई ना कोई पद ज़रूर मिलेगा, उनका भी पूरा सम्मान किया जाएगा।